नगर अंतर्गत इन दिनों पेयजल के वितरण को सुलभ बनाए जाने, अलग अलग वार्डों में मार्ग के किनारे खुदाई की जा रही है, जिसके बाद अब लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुलभ हो जाएगी। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में वार्डों में पेयजल की किल्लत को देखते हुए अब जल आवर्धन योजना के अंतर्गत वार्डों में खुदाई की जा रही है। जल आवर्धन योजना के तहत करीब 3 करोड़ की लागत से कराए जा रहे इस कार्य के पूर्ण होने के बाद वार्ड वासियों को पेयजल से संबंधित परेशानी से पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगा। नगर पंचायत द्वारा शासन के निर्देशानुसार जल आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर में इस कार्य की शुरुआत टेंडर के माध्यम से की गई है। क्रमांक 1 और 2 में जो खुदाई हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये है कि जैसे कि कुछ दिन पहले टेंडर हुआ था इसका, बांध से लेके पूरा वार्ड में पानी सप्लाई के लिए, फिल्टर प्लांट के लिए, उसी के माध्यम से पाइपलाइन बिछाया जा रहा है हर वार्ड में, ताकि पानी का कमी वार्ड में ना हो। कब तक पूरा हो जाएगा काम? लगभग पूरा कंप्लीट करने में 2-3-6 महीने तो लग जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट होगा जी। इसके बाद क्या फ़ायदा होगा लोगों को? ये फायदा होगा कि लाइट रहे चाहे ना रहे, टंकी के माध्यम से हर घर में पानी का सप्लाई भरपूर मिलेगा। मतलब नगर वासियों को, वार्ड वासियों को पानी की आपूर्ति सुलभ हो जाएगी। पानी की आपूर्ति पूरा हो जाएगी।